हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे वन डे एग्ज़ाम को देखते हुए आपके जो भी जीएस है यानी कि सामान्य ज्ञान है उसके सभी आपके क्वेश्चंस लगवा दूंगा। और इसमें आपके वन डे एग्ज़ाम का मतलब जैसे बैंक पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, आप देखते हैं कि किसी भी स्टेट का SI यानी कि सब इंस्पेक्टर हो गया, आप देखते हैं RBI हो गया, UPTET, SSC, CGL, आप देखते हैं रेलवे, पुलिस, MPTET, इस तरह के आपके वन डे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। MPPSC को आप लोग देख लीजिए, इसमें भी आप देखते हैं कि अधिकतर क्वेश्चंस आपके वन लाइनर में ही पूछे जाते हैं। आप सिविल सर्विस की बात करेंगे तो उसमें कथन दे दिए जाएंगे, यानी कि बहुत मतलब टफ क्वेश्चंस बनाया जाता है, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि एक लाइनर में दे देगा और चार ऑप्शन दे देगा, उन्हें उनमें से एक चुनना होगा आपको। तो मैं इतना कहता हूँ कि आपका हिस्ट्री हो, फिर चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक हो, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे लूसेंट में आप देखते हैं कि सभी को समाहित करके किया गया है, इसी तरह हम लोगों ने आपका लूसेंट भी बात कर ली है और किरण सामान्य ज्ञान बुक्स जो बहुत बढ़िया लिखी गई है उसे भी हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। अब इन सभी से सब्जेक्ट से संबंधित आपके मैं सोचता हूँ कि 1000 से 1500 क्वेश्चंस, 1000 से 1500 क्वेश्चंस के लगवा दूँ आप लोगों को। इससे आपको क्या होगा कि एक पता भी चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और एक आपको क्या रहेगा कि एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं, और आखिर आपका एक मॉक टेस्ट की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे इन्हें। तो याद रखिए, हम लोग 1000 1000 क्वेश्चन से कम कम नहीं लगाएंगे, कम से कम 1000 1500 हर सब्जेक्ट से लगाएंगे, फिर चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिर चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। और आप एक बार प्लेलिस्ट सूची ज़रूर देख लें, उसमें बहुत कुछ मटेरियल आपके लिए डाल दिया है। मुझे नहीं लगता है कि आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के आपके 1100 क्वेश्चन लगवाए गए हैं और सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए लगवाए गए हैं, तो आपके वन डे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को आपका विस्तार से पढ़ा गया है पूरा, और आप देखते हैं कि उसमें भी हम लोगों ने 23 24 आपके टेस्ट, मॉक टेस्ट भी लगवाए हुए हैं और विस्तार में भी पढ़ाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे आपका 1 क्वेश्चन बाहर जाएगा। और मुझे नहीं लगता है आपका सामान्य ज्ञान के लिए आपको किसी कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत। यहाँ बिल्कुल फ्री मटेरियल है, और आप लोग PDF की बात करूँ तो सभी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो भी आपकी इंक्वायरी है या कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो फेसबुक पेज पर लिखिए, 24 घंटे में के अंदर आपका जो भी प्रश्न होगा उसका समाधान कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी समस्या जो भी होगी आपकी उसके बारे में जो भी समाधान हो सकता है वो मिल जाएगा आपको। याद रखिए, हम लोग इन्हें वन डे एग्जाम के जो भी क्वेश्चन हैं ऑनलाइन है इन्हें भी हम लोग इतने विस्तार से पढ़ेंगे, अगर आप 20 क्वेश्चन से एक दिन में पढ़ते हैं तो आप 60 तरह के क्वेश्चन, यानी कि आप 60 क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। हम बताएंगे कि आपको किस तरह किस किस तरह से ये क्वेश्चन को बना सकती है एग्जाम, किस तरह से पूछ सकते हैं, तो आपको बड़े बस धैर्य के साथ सुनना है और मेरे साथ बना रहना है, ठीक है? चलते हैं हम लोग, तो पहला क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। याद रखिए, इस तरह से टेस्ट हम लोग 1 2 3 4 करके पूरा लेते जाएंगे आगे, फिर चाहे हिस्ट्री का हो, फिर चाहे ज्योग्राफी का हो, तो ज़्यादा परेशान मत होना है, ठीक है? इन सभी की PDF आपकी टेलीग्राम पर डली रहेगी। क्वेश्चन से हमारा, अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है? तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि अशोक मौर्य सम्राट था, यानी कि मौर्य साम्राज्य का शासक था, ठीक है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, और उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद आपने देखा है अशोक इसका महान शासक था। तो इसमें आप देखेंगे कि अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, तो आपको मनसेरा भी दिखाई देगा, सहवाजगढ़ी भी दिखाई देगा। इन दोनों शिलालेखों में आपके खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है, ठीक? तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन आपको याद रखना है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? अशोक का कौन सा शिलालेख सबसे लंबा है? तो आप देखेंगे कि 13वां जो शिलालेख है ये आपका सबसे लंबा है। और अगर आपको जल्दी, आप पढ़ रहे हैं और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बता पा रहे हैं, आपको लगता है ये क्वेश्चंस आपको आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है? हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप पहले भी आपको मालूम चल जाता है कि इसका क्वेश्चंस का आंसर ये है, तो आप नीचे सी ऑप्शन इस तरह से लिख सकते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख से शिलालेख सबसे
लंबा शिलालेख है 13वां। इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है। ये भी कई बार पूछ लिया गया है कि कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, तो 13वें शिलालेख में आपका कलिंग अशोक की कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि अशोक को जितनी उसकी महानता से हासिल नहीं किया जा मतलब नहीं जाना जाता है, उतना आप जानते हैं कि कलिंग विजय के कारण उसे याद किया जाता है। किसके? कलिंग विजय के कारण। और याद रखिए आपका कलिंग विजय कब होती है, 261 BC में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, अशोक ने लड़ा था। इसके अलावा अशोक के धर्म की ग्रीक, यमन, सीलोन आदि राजाओं पर विजय का भी वर्णन मिलता है। अनेक राजाओं का इसमें वर्णन 13वीं शिलालेख में मिलता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है? अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है? तो आप जानते हैं कि इसमें आपका जो कंधार अभिलेख है ये आपका दो भाषाओं में है। कौन कौन सी भाषा है? यह ग्रीक और आर्मेनिक भाषा में लिखा गया है। फिर से सुन लीजिए, अशोक का कंधार अभिलेख दो भाषाओं में है, इसमें आपकी ग्रीक भी शामिल है, आर्मेनिया आर्मेनिक भी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सिंहासन रोहण से पहले अशोक कहाँ का वायसराय था, यानी कि सिंहासन पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का वायसराय था। तो आप याद रखिए अशोक 261 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा, इससे पहले अशोक तक्षशिला का वायसराय था। कहाँ का? तक्षशिला का। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति का वर्णन किया गया है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो अशोक का 11वां शिलालेख है उसमें धम्म नीति का वर्णन किया गया है। किसमें? 11वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई? अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगाई? आप सोचिए कि प्राचीन भारत की बात है, आज से हजारों साल पहले बात की है, तब भी आप सोचिए इतनी दया भाव हुआ करता था कि पशु हत्या पर भी रोक लगा दी। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पशुओं को मारते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, उन्हें हर जगह आप देखते हैं कि मार पड़ती रहती है। तो मुझे लगता है उस समय के राजा आपसे बेहतर हुआ करते होंगे। अभी आपने कल परसों एक मैंने पिक्चर्स शेयर की थी कुछ ही दिन पहले, आपने देखा होगा एक पिक्चर्स में आपने देखा कि दो लड़कियों की फ़ोटो डली हुई है, मतलब उन्हें कचड़ा में फेंक दिया है जन्म लेने के बाद। आप सोचिए कि मतलब हम में इंसानियत नाम तो कुछ रह ही नहीं गई है, कि मतलब हम लोग किस तरह से मतलब भेदभाव करते हैं और हमारे अंदर कोई भावनाएँ भी नहीं रह गई हैं। तो ये था आपका शिलालेख एक था। क्या था? शिलालेख एक। सी ऑप्शन सही है। अशोक ने पहले अभिलेख में पशु हत्या पर रोक लगाई, दूसरे शिलालेख में पशुओं को भी उपचार की व्यवस्था की, यानी कि उनके लिए भी हॉस्पिटल की व्यवस्था की थी अशोक ने। इसीलिए आप भी जानते हैं कि अशोक को आज भी याद करते हैं कई जगह। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म प्रसार के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? अशोक ने धम्म प्रसार यानी कि प्रचार के लिए कौन से अधिकारी रखे थे? युक्त, प्रादेशिक, राजुक, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। सभी ये अधिकारी धम्म प्रसार के लिए रखे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध अशोक के सिंहासन के कौन से वर्ष में हुआ? ये भी आपका क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया गया है। अशोक सिंहासन पर बैठता है 269 ईसा पूर्व में। अशोक सिंहासन पर बैठता है 269 BC में, और इसके आप जानते हैं कि 261 ईसा पूर्व में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। इसका मतलब है कि 8वें वर्ष युद्ध होता है। कितने? 8वें वर्ष युद्ध होता है ये आपका। ठीक है, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अशोक के बेरूत शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले आया? अशोक के बैरूत शिलालेख को कौन ले आया?
इसमें देखेंगे आपके अशोक के जो बेरू शिलालेख को इलाहाबाद कौन ले आया था, कनिंगम। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, मौर्य काल में देवताध्यक्ष किससे संबंधित हैं? धार्मिक संस्थान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? मनुष्य के शरीर में दांतों का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानव के शरीर में दांतों का प्रथम मतलब मानव के जो शरीर में जो दांत थे उनका प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के छप जाते हैं या गलत आ जाते हैं कि एक बार मैंने, पता है आपको मालूम होना चाहिए कि पीसीएस में आपका यूपी पीसीएस में हिंदी में जो क्वेश्चंस था एक बार वो गलत था, लेकिन जो इंग्लिश में था वो क्वेश्चंस सही था। तो कई जो इंग्लिश पढ़ के थोड़ा जानते पहचानते थे वो क्वेश्चंस को गलत मतलब सही कराए थे, बहुत सरल क्वेश्चन से लिखा गया था। तो इसलिए आप क्या किया करिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चंस में गलत गलत दिखता है दिखाई देती है तो एक उसे मतलब देख लिया करिएगा अच्छे से कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है? तो ये आपका मेहरगढ़, यानी कि ये ऑप्शन सही है। दांतों के प्रथम अवशेष मेहरगढ़ में पाए गए। मेहरगढ़ आपका राजस्थान में है जहाँ अनेक दुर्ग यानी कि अनेक किले भी हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए? जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए? तो आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह आप सुनते हैं आदमगढ़। क्या? आदमगढ़। यहां से आपके प्रथम अवशेष जानवरों के मिले हैं हमें। अगला क्वेश्चन हमारा, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ आपको 243 के करीब देखने को मिलेंगी। सी ऑप्शन सही है। और भीमबेटका आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इसे स्थित है। कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। क्वेश्चन है हमारा अगला, अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन किया गया है? अशोक के किस शिलालेख में शिलालेखों के उद्देश्य का वर्णन किया गया है, यानी कि शिलालेख लिखने का उद्देश्य क्या था? इसका वर्णन 14वीं शिलालेख में किया गया है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला, अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के लिए सहिष्णुता का वर्णन किया गया है? तो ये आपका 12वीं शिलालेख में। आप समझिए कि ये आप अपने देश के बारे में, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, तो मुझे लगता है प्रावधान आपका समझ सकते हैं आप लोग कि अशोक से ही प्रेरित हो सकता है कि हम एक धर्म निरपेक्ष देश रहें, यानी कि सब सभी धर्मों के प्रति हम लोग सहिष्णु रहें। तो ये 12वें शिलालेख में। तो इस क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ। अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महमत के बारे में है? अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म महमत के बारे में है? तो ये आपको देखने को मिलेगा 7वां शिलालेख। अशोक के 7वें शिलालेख में धर्म महत्व महमत का वर्णन है। इसमें धम्म यात्राओं का भी वर्णन किया गया है जिसमें आपका गरीबों ब्राह्मणों श्रवणों को दान दिया जाता था, ये भी उल्लेख है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना था? अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई जिनका संरक्षण करना था, जिनकी सुरक्षा करना था? आप समझ सकते हैं, तो ये 5वें शिलालेख की बात की जा रही है। यह अशोक द्वारा 25 कैदियों के छोड़े जाने का भी वर्णन इसमें मिलता है 5वें शिलालेख में। आप सोचिए कि आज हम लोग देखते हैं कि रेड सूची में इसे इस जानवर को शामिल किया गया है, इस पक्षी को, यानी कि इसकी सुरक्षा के लिए आप देखते हैं बहुत कई प्रकार के आपके, आप देखते हैं कि अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य, आप देखते हैं कि उद्यान बनाए जा रहे हैं जानवरों और आप समझिए कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए कि इन्हें बचाया जा सके। एक समय पर आप लोग देखते थे कई तरह के पक्षी हुआ करते थे, एक आप गौरैया देखते थे, चिड़िया देखते थे जो घरों में घोंसला बनाया करती थी, एक समय आप लोग चील देखा करते थे, आजकल वो भी नहीं दिखती है आपको, तो ये सभी विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हजारों साल पहले भी अशोक ने इस तरह की नीति अपनाई हुई थी, उसी को आज हम लोग बचाने के लिए अपना रहे हैं।
तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया? श्रीलंका की गुप्त श्रीलंका की पुस्तक महावंश के अनुसार किसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था? तो ये था आपका निग्रोध, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिला है? अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का जिक्र मिला है? मस्की, ये आपका कर्नाटक में कहाँ है? मस्की, ये आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसमें अशोक नाम का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत नियुक्त किया? किस ग्रीक राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत नियुक्त किया? सेलुकस निकेटर, बी ऑप्शन सही है। एक बात और आपको बताऊं, एक हम लोग प्लेलिस्ट सूची बनाएंगे इसकी अलग से, वन डे एग्जाम GS या इस तरह की वन डे एग्जाम टेस्ट सीरीज नाम रख देंगे उसका, उसी में ये सभी टेस्ट आपके पड़े रहेंगे। जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो इन्हें लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? तोरमान किस जाति का राजा था? हूण। तोरमान हूणों का राजा था, जिसने लगभग आपका 500 ईस्वी में मालवार पर आक्रमण किया था। उसने अफगानिस्तान तक राज्य विस्तार किया। उसका पुत्र मेहरकुल था जो हूणों का राजा था, वो कट्टर शैव भक्त था। मेहरकुल को यशोवर्धन ने हराकर हूणों के साम्राज्य का अंत किया था। किसने? यशोवर्मन ने, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से हैं? आप समझ सकते हैं इसमें आपको हिंदू, जैन और बौद्ध, तीनों। हिंदू, जैन, बौद्ध, तीनों। एलोरा महाराष्ट्र में आपका, याद रखिए, जो एलोरा की गुफाओं की बात की जाती है ये महाराष्ट्र में है। ये किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाई थी। यहाँ 34 गुफाएं हैं, जिनमें से आपकी 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। अब आप समझिए कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस बन चुके हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस इस तरह से बन सकता है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। किसने बनवाई थी? राष्ट्रकूट राजाओं ने। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। इसमें से बौद्ध की गुफाएं कितनी है? बौद्ध धर्म से संबंधित 12 गुफाएं हैं। हिंदू से कितनी संबंधित है? 17 हैं। जैन धर्म से कितनी है? 5 हैं। समझ रहे हैं आप? इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं कई तरह के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये वैदिक काल से, जिससे बस नाम बदल गया। आप सोचिए, आज जो हम लोग SBI देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के बैंक पहले भी आप सोचिए कि वैदिक काल में भी देखने को मिलेगा। भारत में बैंकिंग के प्रथम साक्ष्य वैदिक काल में मिले हैं। उन दिनों लोन लोन यानी कि ऋण ऋण पत्तों के रूप में और ब्याज सूदखोरी के रूप में मिलती थी, ठीक है। जो काम उस समय ये आपके सूदखोर किया करते थे, उसी तरह आज ये बैंक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही था। भारत में प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहते हैं आप लोग? रॉबर्ट ब्रूसफुट, सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आप सभी जानते हैं कि शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय था। तब मानव शिकार करके कंदमूल फल खाके अपना पेट गुजारा किया करता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? राखल दास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज इन्होंने की थी। कब की थी? 1922 में। 1922 में
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? आप जानते हैं कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1921 में। 1921 में। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टगोमरी पाकिस्तान में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? हड़प्पा। ये हड़प्पा मॉन्टगोमरी पाकिस्तान में स्थित है आपका, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारा अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? यानी कि नहाने का घर, स्नानागार मतलब नहाने का घर, ये आपका जो देखने को मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर ये लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर ऊंचा था ये, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोफकराल नामक नवपाषाण स्थल किस प्रदेश में है? गोफकराल नामक नवपाषाण काल स्थल, पाषाण स्थल किस देश में है, किस राज्य में है, यारी सॉरी जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ से आपने देखा था कि गेहूँ जौ मसूर अरहर के जले अन्न कण प्राप्त हुई थी, ये आपका नवपाषाण कालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? बिंदुसार के राज्य में सीरिया का राजदूत कौन था? आप जानते हैं सभी लोग के डायमाइकस। कौन? सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमाइकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार को आप जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, यानी कि मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश का राजा था ये, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि अशोक आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शिलालेख में अशोक ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य मेरी संतान है? आप समझिए कि उस समय के राजा इतने वफादार हुए थे, इतने कर्तव्य निष्ठावान हुआ करते थे कि अपनी प्रजा को अपना संतान मानते थे। आज के नेताओं को आप देख लीजिए कि किस तरह से जनता मरती रहती है और ये लोग तमाशा देखते रहते हैं। तो आप समझिए कि उस समय के नेता भी जो भी हुआ करते थे ये महान थे एक तरह से, आप समझ सकते हैं। तो ये कौन सा शिलालेख था? ये था आपका पांचवा शिलालेख। कौन सा? पांचवा शिलालेख। पांचवे शिलालेख में प्रत्येक मनुष्य को अपनी संतान बताया अशोक ने। इसमें उसने दासों के लिए किए जाने वाले व्यवहार के बारे में भी बताया। इसके अलावा इसमें धर्म महामत की का भी उल्लेख किया है उसने। अशोक ने, आपने पढ़ा होगा उसकी जीवनी, आप लोग देखिए, हम लोगों ने कवर की हुई है, उसमें बताया गया है कि एक वो महान सम्राट था, माँ बाप की सेवा करना, सभी मतलब मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करना, पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना। देख सकते हैं आप लोग कि कितना महान था, मतलब उसे योद्धों के कारण नहीं जाना जाता है, उसे उनके कामों के कारण जानते हैं, समझ रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है आपको? अशोक के किस शिलालेख में 5 समकालीन यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ये आपको मिलता है 9वीं शिलालेख में। किसमें? अशोक के 9वीं शिलालेख में आपको 5 यूनानी समकालीन राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें आप देखेंगे पांड, चोल आदि का भी उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक की बौद्ध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? अशोक की बौद्ध गया और बौद्ध वृक्ष यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो ये आपको मिलेगा 8वीं शिलालेख में। किसमें? 8वीं शिलालेख में, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें है? अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख किसमें है? ये आपका भाब्रू शिलालेख में। ए ऑप्शन सही है। इसमें आपका धम्म नीति का भी वर्णन किया गया है, याद रखिए, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, मंदिर बनाने की पंचायतन कला का प्रथम नमूना कहाँ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है?
मंदिर बनाने की पंचायतन कला का प्रथम नमूना आपको देखने को मिलागा 10 अवतार मंदिर देवगढ़ झांसी। ये कहाँ है आपका? ये गुप्तकालीन मंदिर है, याद रखिए, गुप्तकाल दौरान बना था ये आपका 10 अवतार मंदिर देवगढ़ झांसी यूपी में। कभी आप इसे भी आप लोग घूम सकते हैं, झांसी में जाएंगे तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, नष्ट हुआ बौद्ध स्तूप भामल कहाँ है? ये आपका पाकिस्तान में है, भामर, इसे भामर भी बोलते हैं। भामर स्तूप के अवशेष पाकिस्तान के हरिपुर में मिलते हैं, यहाँ वहाँ की राष्ट्रीय धरोहर है। इसका निर्माण 4वीं सदी में तब के गंधार में हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। गढ़हवाल वंश की रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ कराया था? ये आपका सारनाथ होगा। क्या होगा? सारनाथ, डी ऑप्शन सही है। वाराणसी के मंदिरों में 12वीं सदी में धर्मचक्र जिन विहार का जिक्र है, जिसे गढ़वाल वंश की रानी कुमार देवी ने आयोजित कराया था। कुमार देवी कन्नौज के राजा गोविंद चंद की पत्नी थी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्याण को बेंगी से जोड़ने वाली मार्ग का क्या नाम था? इसका नाम था तगर। क्या था? तगर। तगर भारत का प्रमुख व्यापारिक मार्ग था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। इसका जिक्र कई यात्रियों ने भी किया है। किसने? यात्रियों ने भी किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत नाटकों में विदूषक कौन होता था? संस्कृत नाटकों में आपका विदूषक होता था ब्राह्मण, ए ऑप्शन सही है। संस्कृत नाटकों में विदूषक एक खास पात्र होता था जो जाति से ब्राह्मण होता था। वह नाटशास्त्र में नायक माना गया, उसका विश्वास नाटक का नायक होता था। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में थी? आप सभी जानते हैं कि जयपुर में, विराटनगर आज के जयपुर के पास है। इसे पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने रहने का स्थान बनाया था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंबिसार ने अवंती नरेश विद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? तो आप सभी जानते हैं कि जीवक, ए ऑप्शन सही है। बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रगोत के यहाँ अपने राजवैद जीवक को भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और संस्थापक भी था, याद रखिए, हर्यक वंश का शासक भी था और संस्थापक भी था ये। क्वेश्चन है हमारा अगला, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था इसका? तो आप कह सकते हैं श्रेणिक, ए ऑप्शन सही है। ये आपका जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार इसका नाम सैनिक था। क्वेश्चन है हमारा अगला, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। उसने 367 से ईसा पूर्व से आपका 345 ईसा पूर्व में राज्य किया। इसके बाद महापद पदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और नंद वंश का अंतिम शासक था आपका, देखा होगा, घनानंद, जिसे पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम साम्राज्य संस्थापक किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को। उसने आपका 345 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। अब देखिए आपके क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ लेते हैं। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? आप जानते हैं, महापद्म नंद ने। इसने 16 वर्षों तक राज्य किया। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया?
अलेक्जेंडर के नाम से कम जानते हैं, इसे सिकंदर के नाम से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। तो याद रखिए, सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर ने आपका 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, और वहाँ उसका पोरू राजा पोरस के साथ युद्ध हुआ, जिसे आप लोग हाइड स्पीच या फिर झेलम युद्ध के नाम से जानते हैं। याद रखिए, इसमें राजा पोरू की हार हुई थी, और सिकंदर ने उससे पूछा कि आपको क्या सजा दी जाए। तो उनका कहना था कि जो एक राजा दूसरे के साथ करते हैं वही। तो खुश होकर वापसी में इनका पोरस का जो भी साम्राज्य होता है उसे लौटा दिया जाता है, समझ रहे हैं, इनकी वीरता को देखते हुए। तो याद रखिए, हाइड स्पीच या फिर झेलम का युद्ध आपके सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच हुआ था, याद रखिए। अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा वंश राज कर रहा था? आप जानते हैं कि नंद वंश उस समय भारत पर राज कर रहा था, और इसमें राजा कौन था? घनानंद, जिसकी विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। और आप तो सभी जानते हैं कि इन्हीं के पास, घनानंद के पास ही चाणक्य जाते हैं इकट्ठा करने के लिए और नेतृत्व करने के लिए। तो आपने सुना होगा कि बड़ा विचित किया जाता है चाणक्य को घनानंद के द्वारा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य को वो अपना शिष्य बनाते हैं, किस तरह से आपने देखा है कि घनानंद को पराजित करते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व होता है। आप लोग सीरीज भी देखते रहते हैं, आजकल टीवी सीरीज भी तो आता है चाणक्य, उसमें भी आप लोग तरह तरह के देखते हैं, बहुत अच्छा है, देखा करिएगा इस तरह के। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? पहले भी बात कर चुका हूँ, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर युद्ध किया था, अपने सिंहासन रोहन के 8वें वर्ष। इस युद्ध में खून खराबे के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसमें कहा जाता है कि लाखों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बंदी बनाए गए थे। इस सभी भयानक घटना को देखकर अशोक ने धम्म नीति भी अपनाई, यानी कि बौद्ध धर्म की ओर अपनाया और सब कुछ छोड़ दिया। और आगे चल के कहते हैं कि यही उनके जो भी साम्राज्य है और उसके विघटित होने यानी कि समाप्त होने का कारण भी बनता है। क्योंकि एक राजा, आप समझते हैं, जब भी आपके दिमाग में राजा शब्द का आता है, उल्लेख तो कहते हैं मार काट वाला, एक चरित्र बन जाता है, शक्तिशाली होनी चाहिए उसे, मतलब आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक था आपका मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किया, और उसने इंडिका नामक पुस्तक आपकी लिखी थी। ये भी आपकी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो अच्छे से याद रखिए। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपने बेहतर तरीके से सॉल्व भी किए होंगे। आप अपना स्कोर भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए, इसी तरह के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक करके टेस्ट आपका आता रहेगा, ठीक है, बने रहिए।